कोटेदारों से घटतौली को रोकने के लिए सरकार अब कोटेदारों को अपना तराजू खुद दे रही है। पहले कोटेदार अपनी मर्जी से राशन तौलने के लिए तराजू खरीदा करते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक तराजू दिए जा रहे हैं। इस तराजू से अब कम राशन तौलने का लगने वाला आरोप भी खत्म हो जाएगा। मैं इस वक्त तहसील में हूं और यहां पर कुछ अलग चीज़ देखने को हमें मिली तो हम भी यहां पर रुक गए। अब हम आपको दिखाते हैं तस्वीर, क्या चीज़ नई चीज़ दिखाई दी यहां पर। अब आप ये देख रहे हैं, एक लाइन से बिल्कुल ये मशीनें लगी हुई हैं। ये तराजू हैं, खासतौर पर इस पर कुंटल के भाव से, मतलब या भी इस पर जो वजन तोला जाता है। लेकिन ये तहसील में क्या कर रही हैं, सबसे बड़ी बात यही थी, यही जानने की कोशिश की तहसील में ये कैसे आईं, इनका क्या काम यहाँ पर, क्या चीज़ तोला जाएगा, क्या चुनाव है उसको देखते हुए इसको लाया गया है, लेकिन चुनाव में इस मशीन का क्या काम है। ये सैकड़ों की संख्या में है, यहाँ आप देख रहे हैं एक तरफ से लाइन लगी हुई इन मशीनों की, और यहाँ कोई जानकारी अगर देने वाला होगा तो हम उससे बात करेंगे। देखिए यहाँ मशीन सेट भी हो रही है, यहाँ देखिए आप इस तरफ, यहाँ पहले मशीन को बिल्कुल एकदम फिट किया जा रहा है। ये मशीन किसने मंगाई है, कहाँ से आई है, क्या काम है इसका, हम उनसे बात करेंगे। ज़रा क्या कर रहे हैं आप, क्या चीज़ है ये? हम लोग इसकी सीलिंग लगा रहे हैं। अच्छा, जिससे कि ये कहीं कोई गड़बड़ी ना कर सके। तो ये सीलिंग आप लोग लगा रहे हैं, तो ये है क्या चीज़ जिससे सीलिंग लगा रहे हैं, क्या चीज़ है ये? यहाँ से कैलिब्रेट होती है मशीन। हाँ। वो कैलिब्रेट कोई और अदर आदमी ना कर पाए, और यहाँ ये स्टाम्प लग जाएगा, स्टाम्प लग जाएगा इसमें, सीलिंग लग के यहाँ स्टाम्प लगने के बाद फिर ये मोहर लग गई। फिर मेरा किशोर भारती नाम है। नहीं तो ये है क्या चीज़, ये आप तो बता रहे हैं सीलिंग लगा देंगे, ये क्या चीज़ है ये आखिर में? ये कांटा मशीन, बेट कांटा मशीन है ये। इसका काम क्या होगा, कहाँ जाएंगी ये कोटेदारों के यहाँ जाएंगी सर। ये किसकी तरफ से जा रही है, कौन दे रहा है इससे? ये गवर्नमेंट की तरफ से जा रही है सर। अच्छा, तो ये मतलब ऐसा क्यों, उनके पास तो मशीन कांटे पहले से लगे हुए थे? नहीं, वो उनके पर्सनल कांटे थे। अच्छा जी, अब ये पॉश मशीन और ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होंगी। अच्छा, यानी कि पहले राशन जो कम की शिकायत आती थी अब वो दूर हो जाएगी। जी जी बिल्कुल। पवन शर्मा नाम है मेरा। अच्छा। मैं डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर हूँ आगरा पर जी। और ये जो मशीन है, ये ई वेइंग मशीन है जिसके द्वारा राशन तोला जाएगा। ये राशन डीलरों को दी जाएगी, ये मशीन। अच्छा। है इसके साथ में एक ईपॉस मशीन दिया जाएगा और एक आरएस स्कैनर भी दिया जाएगा। अच्छा। जिसके माध्यम से राशन वितरण होगा, जो भी घटतौली की जो समस्याएँ रहती हैं उससे निजात पाने के लिए यह लाया गया है सिस्टम जी। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घटतौली रोकने के लिए खास तौर पर उन कोटेदारों और जो सरकारी जो कोटेदार थे, जो राशन डीलर थे, जो हमेशा जनता शिकायत करती थी कि राशन कम जा रहा है, कम तौल रहे हैं, 2 किलो कम कर दे रहे हैं, उसको देखते हुए उस पर रोक लगाने के लिए ये ई पॉश मशीन, जो इलेक्ट्रिक से सिस्टम है इसका, उसको रोकने के लिए जो है यहाँ पर ये मशीनें आई हुई हैं, जो पूरे उत्तर प्रदेश में बांटी जाएंगी, हर राशन डीलर को जाएंगी। आगरा तहसील में ही लगभग 450 ये मशीनें हैं जो यहाँ पर अभी तैयार की जा रही हैं, इनका वितरण होगा और अब जो है घटतौली आसानी से रुक सकेगी। इस मशीन का नाम ई पॉश मशीन है, जो पूरा डिवाइस यानी कि सिस्टम से ऐसा चलेगा जो हर कोई भी देख सकता है, और 50 किलो से ज़्यादा इस पर वजन नहीं तोला जा सकता है एक बार में। अब घटतौली नहीं होगी, अब राशन डीलर कम माल नहीं दे पाएगा। पहले उनकी अपनी मशीनें होती थी जिसकी वजह से वो अपना घटतौली कर लेते थे और जनता लगातार शिकायत करती रहती थी। क्या मेरे पास अनूप साथ विनोद जूनियर, सी न्यूज़ आगरा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।